अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दानी बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग चैनल के सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार दांगी सिंगानी पथरगढ़ा डिस्ट्रिक्ट चतरा झारखंड से आप लोग के सामने मैं जो आज बताने वाला हूं और मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि मैं बहुत जगह से ट्रेनिंग लिया हूं और ट्रेनिंग के साथ साथ मेरे को क्या रिस्पांस मिला है और कैसे कैसे मेरे को हेल्प हुआ और किस तरह हेल्प हुआ और कौन मेरे साथ क्या क्या नहीं किया वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि एक ही कहावत है और अच्छा कहावत है कि डूबते हुए को तिनके की सहारे की आवश्यकता होती है। रही बात है कि कौन मेरे लिए अमृतवाणी बन के आया है वो आपको इस वीडियो में आपको ज़रूर पता चलेगा कि मेरे लिए अमृतवाणी बन के कौन आया है, मेरे लिए नहीं अनेकों के लिए। तो आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं पहले क्या कहते हैं ये जेपी सर से दतिया मध्य प्रदेश वहाँ से ट्रेनिंग लिया था, दूसरा बेगूसराय राजीव कुमार रॉय KGRM फिश फार्मिंग वहाँ से ट्रेनिंग लिया था। तो मैं उनके रिक्वायरमेंट से उनके रिकॉर्ड के हिसाब से उनके मतलब ऑथराइज के हिसाब से मैं क्या क्या सामान लिया और कैसे लिया हूँ वो आपको दिखाना चाहता हूँ। आप थोड़ा देखिए कि कैसे ये लोग कितना कितना आदमी का नुकसान करते हैं और सामान तो दिलवा देते हैं, रिकमेंड भी करते हैं कि ये सामान ले लो सामान ले लो, लेकिन उसका यूज नहीं होता है, हमेशा से उसका मिसयूज होता है। और यही मैं बताने की इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, ये देखिए इधर ये है मेटल बायोसाइंस, ये है विशाखापट्टनम में अपना है, ये रिकमेंड राजीव कुमार रॉय जी का है। इनके आधार पर मैं मतलब 6.5 से 7 हज़ार रुपये लगा चुका हूँ। जो आप यहाँ पे जितने भी मेटल आप देख रहे हैं ये सब वहीं उन्हीं का रिकमेंड के हिसाब से है, मेटल बायोसाइंस का ही दिया हुआ प्रोडक्ट है। इसमें प्रोबायोटिक भी है, सप्लीमेंट भी है, फीड सप्लीमेंट भी है, वगैरह वगैरह सब है। तो ये देख लीजिए, ये मेरे लिए ना के बराबर है। अभी तक यूज नहीं, इसलिए यूज नहीं किया कि जब मेरे को कल्चर ही नहीं बताएंगे कि यूज कैसे करना है। ये खाली एक बार बता दिए उसके बाद बोलते हैं कि नहीं अगर 2500 रुपया में हमको खरीद लियो। अरे भाई ये वर्ड तो बोलना ही नहीं चाहिए कि भैया ठीक है आपके हिसाब से अगर हम कुछ कल्चर करना चाहते हैं या फिर हम करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपके मतलब नक्शे कदम में चलने की कोशिश कर रहे हैं तो जब तक जिस किसी का हेल्प नहीं करोगे, कोई आदमी 5 लाख 7 लाख रुपये फंसा देता है उसके बाद भी आप उसका हेल्प नहीं करते हो और रही बात है कि बाद में दिक्कत हो जाता है, उसके बाद बोलते हो कि नहीं तुम्हारी मछलियाँ ख़राब है। अरे भाई ठीक है मछलियाँ ख़राब है, मछलियाँ ख़राब होने के बाद भी उसको ठीक की जा सकती है, नए नए चीज़ में प्रॉब्लम आता है। ठीक है मैं समझ गया मछलियाँ ख़राब है, लेकिन उसका सोल क्या है, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन होना चाहिए ना। तो नहीं ठीक है, कोई नो रिस्पॉन्स, कुछ नहीं, भाड़ में जाओ, ऐसा है उनका कहना। ठीक है दूसरा ये है कि जेपी सर से मैं क्या कहते हैं ट्रेनिंग लिया था, तो जेपी सर का ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये मतलब मेडिसिन वगैरह पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं ये है। और जेपी सर का कुछ प्रोडक्ट भी है, आप आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये फीड सप्लीमेंट है, ठीक है ये क्या कहते हैं एक्वा प्रोगोल्ड, ये आपका क्या बोलते हैं प्रोबायोटिक है, ये भी जेपी सर का रिकमेंड है। तो ये मतलब फ्लोक तो बन रहा है, लेकिन फ्लोक बन रहा है लेकिन उस फ्लोक में आज तक मैं कल्चर ही नहीं कर पाया, तो फ्लोक का क्या मतलब है, सिंपल है। तो जेपी सर के लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि जहाँ तक है वो इतना ही बोले हैं और गलत भी नहीं बोले हैं और क्या कहते हैं उतना मतलब उनसे वो जो चीज़ होना चाहिए मैं आगे बढ़ सकता था वो मेरे को नहीं लगा। क्योंकि 40,000-50,000 का मैं सीड ले आया अपना देसी मांगुर का, उसके बाद पता चला कि भाई मैं वो मरना चालू हो गया कि हाँ भाई कुछ प्रॉब्लम है आने में, कैसे कैसे लाया जाता बहुत कहानी है भाई, मछली पालन में बहुत कहानी है। अब उस कहानी को उतना फॉलो करते करते आदमी का मतलब 1-2 साल तो निकल ही जाता है, सिंपल फंडा है। और रही बात है कि चलो उसके बावजूद भी उनका यही कहना है कि नहीं जो मछलियां बीमार है वो तो मरेगी मरेगी, बाकी जो सही है उसको हम सही कर रहे हैं। तो इस तरह करते करते तो मतलब 15,000 बच्चा में मेरा 2,000 आज के डेट में 2,000 बच्चा बचा हुआ है, लेकिन 2,000 भी मैं बचा पाऊंगा ये मेरे पर मतलब संभावना नहीं था। फिर उसके बाद मेरे को क्या कहते हैं ये मैं यूट्यूब पर वीडियो देखा था अपने क्या कहते हैं ये डॉक्टर क्या कहते हैं ये साहब, डॉक्टर साहब का नाम है सस्मल, डॉक्टर सस्मल सर, ठीक है। तो ये अपने ये रायपुर के हैं, फिलहाल तो वहीं पे फिशरीज में उनका मतलब जो भी है तो उनका प्रोडक्ट है। उसके बाद मैं क्या कहते हैं यूट्यूब में वीडियो देख के मैंने पसंदी सर को फ़ोन किया, जब पसंदी सर को फ़ोन किया तो वो मेरे को क्या कहते हैं समी ये अपने समी साहब हैं उनका नंबर दिए, तो समी साहब से मेरे को अच्छा से बात हुआ, फुल रिस्पेक्ट दिए, फुल रिस्पॉन्स दिए, तरीका से बताए, एक एक वर्ड पर एक एक मतलब एक एक मतलब क्या बोलते हैं शब्द पे यार एक एक क्वेश्चन पे उन्होंने काम किया और अच्छा काम किया और अच्छा रिस्पॉन्स दिया और अच्छी तरीके हमको समझाए। और उन्हीं के आधार पर मैं देखिए यहाँ पर कुछ मतलब मेडिसिन वगैरह रखा हुआ उन्हीं का दिया हुआ है, ये प्रो केयर है, फिर ये
परवो केरी है, फिर ये मतलब ये फंगी केयर है, फिर ये प्रोबायोटिक है, ये परवो मिक्स है, आपके सामने इक्वा लाइम है, फिर इक्वा बीटा फोल्ट है, फिर प्रो स्टार्टर है, फिर बायोजेल है। तो ये सब उन्हीं का मतलब क्या रिकॉमेंड से है। और क्या कहते हैं, मैं तो बता रहा हूँ इस मेडिसिन का तो इतना ज़बरदस्त काम हुआ है भाई, मेरी मछलियाँ तो मरते मरते मतलब मैं के बचा पाता कि नहीं बचा पाता भगवान जाने, लेकिन ये और ये दोनों इतना बेहतर काम किए हैं और मैं कह नहीं पाऊंगा कि इसमें कितना बेहतर काम किया है। तो यही है, तो ये मतलब जो है यूज कर रहा हूँ और अच्छा यूज कर रहा हूँ और इसका रिजल्ट मिल रहा है और बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। उसके बाद क्या कहते हैं ये मतलब किट वगैरह है, तो सब आप जानते हैं, सब बताने की जरूरत नहीं। मतलब ये मेरा क्या कहते हैं फीड वगैरह है, तो ये क्या बोलते हैं आपका एविज का फीड रखा हुआ है सामने, और मैं थोड़ा कलकत्ता से ही मंगाया था, तो थोड़ा भी लॉकडाउन के चक्कर में मेरे को बहुत महंगा मिल गया, ग्रोवल का फीड है, तो ये सब देख सकते हैं। तो ज़्यादा इस पर बात ना करते हुए मैं आपको अपना कल्चर दिखाता हूँ, आइए। इसमें मेरा क्या कहते हैं ये आप ये छोटा टैंक देख रहे हो, हॉस्पिटल टैंक है, तो इसमें मेरा अभी 6,000 सीट पड़ा हुआ है, और इसमें मैं क्या कहते हैं ये अपना मोनोसेक्स तलपिया, ठीक है, मोनोसेक्स तलपिया का सीट पड़ा हुआ है, ग्रोथ अच्छा है। और ये मैं प्रो स्टार्टर का फीड जो है अभी मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मोटा मोटी मेरे को 500 लाइन का बच्चा था, तो उसके लिए बेहतर है। तो मतलब ये करना क्या है कि मतलब ये वही पानी से घोल ले, और मतलब पानी से उसको गूंद ले, गूंदने के बाद इसको बॉल्स को थोड़ा सा दबा दे, दबाने से क्या होगा कि जहाँ हम रखेंगे उसको वहाँ से ही हिलेगा नहीं, और बॉल्स रहेगा गोल गोल बॉल्स रहेगा तो लुढ़कता रहेगा, क्योंकि स्लोप तो ही है, आपको पता है कि भाई टैंक में स्लोप है। तो यही अब देखिए जब कुछ नहीं करना है, जगह ये मैं टोकरी रखा हूँ, आप देख सकते हैं, अभी मैं टोकरी को बनाया नहीं हूँ, ये देखिए टोकरी रखा हूँ, तो इसके अंदर मैं क्या कहते हैं ये अपना जो फीड है वो मैं दे देता हूँ, बड़ा चाव से खाती है, और चाव से खाने के बाद उसका ग्रोथ भी है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही है, अभी मैं इसको बनाऊंगा अच्छा से, फीड करवाने के लिए जैसे किसी का बर्तन होता है तो मैं वो बनाऊंगा, और उसका मेरे पास क्या कहते हैं समीर साहब जो है वो ड्राइंग दे चुके हैं, तो उसके हिसाब से मैं उन्हीं के देख रेख में कर रहा हूँ, और मैं जैसे वो बताएंगे वैसे ही मैं करूँगा, क्योंकि भाई उनसे मेरे को जब फायदा है तो मेरे को उनके देख रेख में करने में उनको नुकसान नहीं है, मैं ये जानता हूँ। एनीवे तो क्या कहते हैं ये हो गया, उधर भी एक साइड टोकरी रखा हुआ, उसके अंदर भी यहाँ से मैं फेंक सकता हूँ, चला जाता है टोकरी में ही रह जाता है। तो ये देखिए मैं कई जगह छोड़ देते हैं इस तरह, बड़ा चाव से ये फीड करती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये मेरा क्या कहते हैं वाटर प्रिपरेशन चल रहा है, आज दूसरा दिन है, और दूसरा दिन मैं ये परवोमिक्स और प्रोबायोटिक दोनों और मोलासेस के साथ जो मेरे को जैसे बताया जैसे समीर साहब बताए हैं उसी आधार पे मैं इसको किया हूँ, और क्या कहते हैं ये अभी तक तो कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं और बेहतर रिजल्ट है। आगे मैं अपडेट दे दूंगा कि क्या मतलब कैसे फलों को पता नहीं पड़ रहा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये मेरा दूसरा दिन का क्या कहते हैं ये वाटर प्रिपरेशन चालू है, आगे मैं आपको और टैंक दिखाता हूँ जिसमें मेरा पंगास है और मांगुर है। मेरा पंगास का क्या कहते हैं टैंक है जिसमें क्या कहते हैं समथिंग 3,000 लाइन का बच्चा था, और रही बात है कि मेरा 2-4 दिन हुआ है अभी स्टॉकिंग किए हुए, और क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं अपना डॉक्टर ससमल सर का ही मतलब रिक्वायरमेंट का जितना भी मेडिसिन वगैरह जो भी है वो चल रहा है, और अभी इसमें कोई मोटिलिटी नहीं है और बढ़िया से फीड कर रही है, 3,000 बच्चा है और बड़ा मतलब घूम फिर रही है चाव से, मतलब मस्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप देख सकते हैं। ये मेरा देसी मांगुर का टैंक है जिसमें मैं 15,000 बच्चे लाया था, और 15,000 से आज के डेट में 2,000, 2,500, 3,000 के लमसम बचा हुआ है, क्या गिनती करें और क्या मतलब बॉडी वेट निकालें जब भाई कल्चर सही नहीं होगा। और रही बात है 40-50 हज़ार में किसी का डूब जाएगा, वो भी शुरू में, उससे पहले 5 लाख 7 लाख रुपये लगा के मैं टैंके वगैरह हैन तैन बनाए और सामान लेके आए और यूज नहीं हो रहा, उसके बावजूद भी मैं जो मछली में। और रही बात यह है कि जब नहीं होगा तो कैसे करेंगे, तो जब से मैं ये अपना प्रोवो केयर और परवो केरी यूज कर रहा हूँ इस तरह करके, दोनों एक सेम नाम है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है मेरे को बोलने में, बाकी मतलब जो मेडिसिन है तो अभी तक तो कोई मोटिलिटी नहीं हुआ है, 2 से 3 दिन 4 दिन हो चुका है, और वैसे तो मैं फीड करवा चुका हूँ लेकिन वीडियो बनाने के चक्कर में फिर से मैं फीड करवा रहा हूँ, तो देखिएगा कैसे खाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना फीड क्या कहते हैं फीडिंग ले रही है अभी कि हद से ज़्यादा फीडिंग ले रही है, यानी कि जितना भी फीड देते हैं मात्र 1 से 2-3 मिनट में चट कर जाती है। तो बस इतना ही मैं बताना चाह रहा था, और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।